नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। प्रदेश में पशु वध और तस्करी करने के खिलाफ सख्त कानून होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं कि सुधरने का नाम तक नहीं ले रहे हैं और आए दिन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अपना पेट भरने के लिए बेजुबा पशुओं का खून बहाते हैं। और ऐसा ही अपराधियों पर योगी सरकार के साथ यूपी पुलिस की भी नजर गड़ी हुई है और एक के बाद एक प्रदेश में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ भी हो रही है। ताजा मामला गोरखपुर से सामने आया है, जहां गश्त पर पुलिस को सूचना मिली कि चौगाना बाग में पशु तस्कर गायों के साथ मौजूद हैं। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष ने हमराहियों के साथ मौके पर दबिश दी और जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, जंगल में मौजूद तस्कर झाड़ियों में छिप गए और फिर धात लगाकर पुलिस वालों पर ही फायरिंग करने लगे। अचानक से खुद पर चलती गोलियां देख पुलिस वालों ने भी फायरिंग करनी शुरू कर दी और इसी बीच पुलिस वालों ने योजनाबद्ध तरीके से तस्करों को चारों तरफ से घेर लिया और फिर बदमाशों को समझ में आ गया कि सरेंडर करो, नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा निकलनी तय है। और फिर मौके से ही चार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन पशु तस्करों के पास से पुलिस ने एक असला, दो कारतूस और 350 रुपया बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक ये तस्कर पशुओं को बिहार भेजने की तैयारी में थे। इन तस्करों में खुर्शीद, बबुन्ने और उसके साथी शामिल हैं, जिनको गिरफ्तार कर अब पुलिस कोर्ट में पेश करके इन्हें इनके गुनाहों की सजा दिलवाएगी। आप भी सावधान रहें और आपको भी अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है तो उस जानकारी को सबसे पहले पुलिस तक पहुंचाएं, ताकि ऐसे अपराधियों को उनकी सही जगह पहुंचाई जा सके। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए अब आप भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीके न्यूज़ यूपी, धन्यवाद।